वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहे एंड इट्स टोटली फ्री। हमारे ऐसे और भी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्ते, शांतनुज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी एंड टेस्टी एंड हेल्दी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी जो कि है पोहा, और ये बहुत जल्दी बनके भी तैयार हो जाता है। तो ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए इस पोहे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे पोहे, मीडियम पतला पोहे लेंगे, नमक और शक्कर, मूंगफली, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, राई या सरसों के दाने, प्याज और फ्राई करने के लिए तेल चाहिए। सबसे पहले पोहा को धो लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कप पोहा लिया है। इसको धोने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे। मिला देंगे इन्हें अच्छी तरह से ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। कढ़ाई में करीबन 2 टेबलस्पून तेल डाल के गर्म होने देंगे और उसमें मूंगफली डाल देंगे। थोड़ा सा इन्हें कलर चेंज होने तक भून लेंगे। इसको अभी निकाल के रख देते हैं। फिर से कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डाल के उसमें सरसों के दाने डाल देंगे और उसको हल्का सा भून लेंगे। इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और थोड़ा सा फ्राई हो जाइए। अभी डाल देंगे हरी मिर्च और फ्रेश करी पत्ते, उसे थोड़ा मिक्स करेंगे। 2 चाय के चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया हमने, अभी अच्छे से फ्राई करेंगे। भुना हुआ मूंगफली डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। और अब हम डालेंगे पोहा और इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे मिक्स करते हुए पकाएंगे। हमारा पोहा बनके तैयार हो गया है। गैस ऑफ करके उसको सर्व करेंगे और उसके ऊपर से थोड़ा सा सेव डाल देंगे। लीव अ फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो। क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।